सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे पर दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और राज्यों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 3 हफ्ते के अंदर सभी से जवाब मांगा है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे। स्कूली बच्चों की सुरक्षा में ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका सुनते हुए आज केंद्र और देश के सारे राज्यों को एक नोटिस जारी किया है। दरअसल 2 वकीलों ने इस याचिका को रखा था सुप्रीम कोर्ट के सामने और उनमें से उन्होंने 9 प्रमुख मांगे रखी हैं। उनमें से मेन मांगे ये हैं कि स्कूल में बच्चों की सुरक्षा जो है वो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्कूल में काफ़ी स्टेप्स लेने चाहिए, खासतौर से हिडन कैमरा वगैरह लगाने चाहिए स्कूल में स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ तक अटेंडेंस की बात है, फीमेल अटेंडेंस यानी महिला अटेंडेंट होनी चाहिए, खासतौर से छोटे बच्चों के टॉयलेट्स के बाहर ये मौजूद होने चाहिए। जो भी स्कूल कदम नहीं उठाता बच्चों की सुरक्षा के लिए उनके लाइसेंसेस रद्द करने चाहिए और तमाम उन्होंने और मांगे रखी हैं, बट ये प्रमुख मांगे हैं। रायन इंटरनेशनल स्कूल गुड़गांव के स्कूल में जब एक सेकेंड क्लास के बच्चे की हत्या के बाद ये याचिका सुप्रीम कोर्ट आई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस याचिका को वो रायन इंटरनेशनल स्कूल के जिस छात्र की मौत हुई थी उनके पेरेंट्स ने जो याचिका लगाई थी इन दोनों को वो एक साथ सुनेगी और 3 हफ्ते का वक्त दिया है केंद्र को और राज्य को अपने जवाब भेजने के लिए कि वो स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है और खासतौर से इस याचिका पे उनकी क्या टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट में सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़।